ये देखो नाबू निकला वॉकी वॉकी के लिए, और ये क्या है? ये क्या? अच्छा ये चूहे दान में चूहा है, और कालू को देखो कैसे लगा पड़ा है, देखो ना। देखने कैसे कर रहा है, कैसे भूल रहा है इसको। कालू आजा आजा जल्दी आ, इसको मन नहीं कर रहा चूहे को छोड़ने। आजा कालू कालू आजा, बड़ा बदतमीज है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो नाबू और मैं आ गए हैं वॉकी वॉकी करने, और हमारा सबका ताशु भाई, थारा भाई ताशु कर रहा है काम। घर जाके दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है। रोहने से किसी काम पे लगा है। नवाब साहब सब पौधों को पानी देते घूम रहे हैं। तो ये रहा इधर हेल्दी ब्रेकफास्ट। और ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रोहन को शांति नहीं है कैसे भी। मेरे पैर तो रखे नहीं था जमीन पे, तो ये कारपेट क्लीनिंग चल रही है। ताशी और रोहन लगे हुए हैं अभी। अच्छा वो तो आज हम आपको दिखाते हैं अपने व्लॉग में कुछ नया और कुछ बहुत ही अच्छा, कुछ बहुत ही शॉकिंग। तो आपको सिखाएंगे आज हम एक नई चीज, कपना कारपेट। अपना कारपेट और बीन बैग कैसे धोते हैं। तो एक अपना ये कारपेट लो, उसे नीचे बिछा दो, और उसके ऊपर बहुत सारा पानी डाल दो, उसके बाद में उसके ऊपर 2-3 किलो सरफ डाल दो, और उसके बाद में अपने रिश्तेदारों को फोन करो, और ताशु जैसे बच्चे पकड़ो और उनका टिकट कराओ, और उन्हें घर पे बुलाओ और उन्हें कान पे लगवाओ। समझ रहे हो ना? मैं जाऊँ, आपका सिर्फ आने का टिकट हुआ था, जाने का टिकट तो हमारे हाथ में है। अब आप फंस चुके हो। तो थारा भाई तासु आज इतना कारपेट धो देगा, इतना कारपेट धो देगा, इनसे पैदल भाग जाएगा करनाल। दो चार चिप्स खिला दिए, एक कप चाय का पिला दिया, ये तो कितना भारी काम करवा रहे। यो थारा भाई तासु, आज तो कारपेट ने साफ कर देगा, किसी की जरूरत नहीं है थारा भाई को। जाओ अपने घर सो जाओ आराम से, कल्ला साफ कर देगा। जय जय बाबा योगी की। मोदी से योगी तो आ गया। ये तो ताश तो सीखा सिखाया लग रहा है। रुक जा, बार बार दे ब्रश दे। ये ब्रश दे भाई, ये प्लास्टिक। तो भाई इसे ना थोड़ा फनी वे में ही लेना, कभी ऐसा लगे कि यार सच में काम करा रहे बच्चे, तो हम खुद लगे पड़े हैं साथ में। नहीं, तो सबको पता है यार, बच्चे का कौन नहीं काम कर रहा। हाँ, बच्चे तो है, अब हमने बचपन में कितना काम किया यार। सही तो बात, हम भी तो वसूलेंगे अपनी वो बात। ताशु प्लानिंग कर रहे हैं अपना व्लॉगिंग चैनल बनाने के लिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि रोहन ने काम करने के लिए कम ताशु को, लेकिन रोहन का मन था बकचोदी करने का, क्योंकि बंदा पिछले 20-25 दिन से बेड पे बैठे बैठे पक गया था। ईसा चैनल रोहन तो कोई चाहिए था बकवास करने के लिए। तो ये जो तुम ये सब बातें कर रहे हो ना ताशु के साथ, मैं काम करते हुए सुन रही हूँ, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि तुम्हें काम करने वाला बंदा कम, और ये बकवास करने वाला प्रोफेशनल वे में आ रही है। देखो नहीं सच में, हाँ तो सच में ये प्रोफेशनल वे में देखो। इधर बीन बैग धो दिया मैंने, लेकिन जो सुकून मिल रहा है ना, अपने घर में कारपेट भी धुल रहा है, अपने घर में ये बीन बैग भी धुल रहा है, बड़ा मजा था। तुम तो सच में यार ऐसे रही, बिल्कुल वॉशिंग मशीन थी जैसे, सेमी ऑटोमेटिक घूमती है ना, पसीने टप गए अभी, टेंशन मत ले। नाबू देख ले इधर, इसका मुंह करना, इधर देख। इधर देख ना, मुझे भी बहुत गंदा दे रहा है। मैं जानता गुद्दा, क्या हो गया तेरे साथ? तेरे यार मम्मी सारा दिन यही करती रहती है, कहाँ पकड़ गए?
थप्पड़ लगेगा कि जाके बनाओ तेरे को व्लॉगर। अभी जब व्लॉगर बन जाते हैं ना तो फिर उन्हें सुंदर भी दिखना पड़ता है, ठीक है। मम्मी की तरह नहीं रहते सड़े हुए से। ये तो मम्मी पे भी अप्लाई होता है। नहीं मैंने अपने आप को ही कहा। इसका मुंह देखो, मम्मी की तरह नहीं रहते सड़े हुए से। मुंह देखो इसका मुंह। तुम इसे ही प्यार। अरे कैसे देख रहे हो उन कालू के नाम बार बार मुंह उठा के। नहीं उसके मुंह के रिएक्शन से पता चल रहा है वो भले ही बोल नहीं सकता पर समझा रहा है। क्या हो गया? क्या तुम इसे ही कर लो। ओए ओए मेरी तरफ ऐसे कर। हाँ मम्मी तुम सही कह रही। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा क्या हो गया? आपको खाना नहीं खाना था आज? क्या नहीं मैं लग रही हूँ थोड़ी ठीक लग रही हूँ आज। ये लड़की नहाई है आज? हाँ मैं नहाई हूँ आज, बरसों बाद मैं नहाई हूँ आज। मैं भी नहाया लेकिन मैं नहाया कैसे वो मुझे बताया, बता नहीं सकता, नहीं तो तुम लोगों को बिल्कुल ही गरीब लगूंगा। पागल हो रखा है, पागल हो रखा है। बस 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 कालू बस कालू बस चावल और आलू टमाटर। कालू को जतिन आया है, नवाब पीछे रह गया। पहले नवाब को खुजली कराता था खाना छोड़ के और यहाँ आ गया। नवाब की थोड़ी एनर्जी लो रहती है। नवाब इनटू डिप्रेशन। नाबू क्या हो गया बेटा? यार कर दे उसको खुजली कर दे। देख चला के पता है ये एक्चुअल में थोड़ा आजकल ना अवॉइड कर रहा है। जैसे हम कालू को प्यार करते हैं ना तो अवॉइड करने लग जाता है। देख देख तेरे पास आ गया घूम के। कह रहा कर दे यार खुजली कर दे थोड़ी सी। घूमा किस तरीके से? हाँ जी तो मैं आपको बता दूं मैंने जो इतना मेकअप लगा रखा है और मैं इतनी अजीब सी लग रही हूँ इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैं जा रही हूँ नवाब के साथ में एक स्टोर विजिट पे। अब जैसे मैं घर में रहती हूँ वैसे तो नहीं जा सकती ना, तो इसलिए मैंने आज थोड़ा सा मेकअप कर लिया। और जतिन का रिएक्शन ऐसा था कह रहा आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला कि हाँ भाई मैं सच में जा रही हूँ। तो मैं रोहन भी जाएंगे, मैं जतिन और नवाब जा रहे हैं सेक्टर 18 नोएडा, लेकिन रोहन नहीं जा पाएंगे क्योंकि रोहन के पैर में चोट है। बस करो ना सारा टाइम आपको फुटेज रहती है, मैं सुबह से अब बनाने लगी हूँ व्लॉग, तो हम लोग निकलते हैं। ये इनकी बात नहीं सुनिए, हमें फुटेज नहीं दे रही है। हेलो गाइस देख लो मैं भी। हेलो गाइस हमारी एक टांग नकली है, हम पहले जिम के खिलाड़ी थे, अब हमारा जिम छूट गया है और अब हम नकली टांग पे सारे पे मतलब जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। सही होने का हम नहीं जाएंगे, कब से करेंगे? तो भाई टेंशन ना लो, जिस दिन सही हो जाएगा उसी दिन से जिम में धुआं धुआं लेग डे मिस कर देंगे हम। अपर पार्ट करेंगे, लेग डे करेंगे ही नहीं। तो ये जा रहे हैं अभी, दो दिन थोड़ा मौसम ठीक हो गया था तो हम लोग निकल गए हैं स्टोर के लिए। और जो स्टोर है वो है सेक्टर 18 नोएडा में। और अभी पहुंचते हैं। नाबू एकदम चिल कर रहा है। नाबू कर रहा है यार बड़े दिनों बाद बैठा हूँ मैं गाड़ी में, पापा को चोट क्या लगी, गाड़ी में जाने ही भूल गया मैं तो। तो मैं पहुंच गई हूँ जस्ट डॉग्स, ये एक पेट स्टोर है और यहाँ पे नवाब आया है स्टोर विजिट करने। यो तो हम लोग पहुंच गए हैं सेक्टर 18 नोएडा मेन मार्केट और ये है जस्ट डॉग्स। यहाँ पे नवाब आया स्टोर विजिट करने और दिखाऊं आपको नवाब कहाँ है। ये रहा नवाब और कितने ध्यान से मेरे को देख रहे हैं। नाबू कार्टन भी तुझे ही ओपन करने हैं क्या सारे? ये कितना प्यारा कितना मैनेज किया हुआ स्टोर जस्ट डॉग्स। और यहाँ पे सारे सामान मिलते हैं, कितना खुश तो कितना है। पहुंच चुके हैं स्टोर में और नवाब पूरा स्निफ कर रहा है, पूरा एक एक चीज स्निफ कर रहा है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। कैसे इग्नोर कर दिया आपने हैं? बैलून कैसे इग्नोर किए? ये क्या हुआ? कह रहे यहाँ पे इतना कुछ है भी, रुक जाओ बैलून तो फोड़ ही लूंगा, कोई और थोड़ा लेके आ जाएगा बैलून को। ये देखा और लड़कियों की तरह कलर बहुत प्यारा है। मेरे को कलर बहुत सही लग रहा है इसका। नाबू शॉपिंग कर रहा है और मैं बेड में बैठी हुई हूँ।
जमाना देखो क्या आ गया। नाबू नवाब गुड्डू क्या मिला? आजा 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 जल्दी आ, बोल के साथ खेलना जल्दी आ, इससे पहले हम घर जाए। निकाल ले इसे, हाथ निकालिए, एक ही एक ही ये देखो आया मेरी गोदी में था, जा जतिन की गोदी में रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये देखो ये है नवाब, है हम नाम जीते हैं हम अपना, पैदल नहीं चलते हम, पैर गंदे हो जाएंगे मेरे। मेरी गोदी में आया ये और जतिन की गोदी में जा रहा है, देखो क्यूटा गुड्डा भाई। 15-20 मिनट में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। बीच में अट्टा मार्केट से रुक के मैंने वो स्कूटी पे, जो बाइक पे स्कूटी पे पहनते हैं टू व्हीलर पे, क्या बोलते हैं उन्हें जतिन, ग्लव्स, हाँ वो स्किन कलर वाले मेरे खराब हो गए थे। खराब नहीं हुए थे, लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें वो पूरा एक जो ग्लव था वो घिस गया था, तो तब से लेना 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 कर रही थी लेकिन लिए नहीं गए, और ऑनलाइन इतने महंगे दिखा रहा था, और अट्टा में जो लोकल मार्केट होती है ना उनसे बहुत सस्ता और बहुत सही मिल गया, वही सेम क्वालिटी। पता नहीं यार अभी इनकी गाड़ी वाली ठुकी है, आपदा को अवसर में चल रहे हैं, लेकिन इतना इतना लेट करा दिया ना इतनी इसकी वजह से। क्या ठुकी है, ठुकी कहाँ है, ठुकी है नाबू का ऐसे हाल हो रहा है कि यही उतार दो मुझे, मैं ना पैदल पैदल भाग के आ जाऊंगा, है ना नाबू? दिख रहा है किसी को पड़ोसी? पड़ोसी को दिख गए हम, क्योंकि नाबू और मैं आ गए अपना वीडियो शूट करके। अब पड़ोसी देख रहे हैं, साहब आ गए हैं अपना एकदम बहुत ही बढ़िया काम करके, इसलिए तो भाई काम ही है, लड़का वीडियोस बनाता है, इन्फ्लुएंसर है। लड़के माँ बाप अगर पूछें तो बता देना कि लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, तो बोल देना भाई लड़का इन्फ्लुएंसर है, बहुत तगड़ा कमाता है। करी गई कि ये टूट ही गया, बताओ इन्होंने इतने का फायदा नहीं करा, इतने का नुकसान कर लिया, 4,000 रुपए का इसमें रो रहे हो? इसे हम कोई बात नहीं, हम जुगाड़ू आदमी है, हाँ पर्दे की पर्दा बना देंगे इसमें हम। अरे ये भी तो इसे दे दो, ये इसमें लगा दो, वाइपर भी काम करेगा, और ये मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी का बड़ा प्लेयर था। चलो भाई कर दो जल्दी, हो गया ऑलमोस्ट साफ। इधर ताशु लगा हुआ है और इधर जतिन कर रहा है काम, ये कर रहा है एडिटिंग, और इधर हमारे नवाब साहब सो रहे हैं, और पड़ोसी सर इधर दूसरी जगह सो रहे हैं। कहना चाहती हो? नहीं कहना चाहती हूँ, तुम्हारा बेसिक नेचर ही, चाहे तुम घर पे हो चाहे तुम साइट पे हो, इवेंट मैनेजर ही हो तुम, सबको लेबर समझते हो। अरे भैया काम लेना आता है, मैं ना सहता मैं ना सहता, और ये भी साथ दे रहा है इस काम में, फ्रूट ला के काट के दिए, कह रहे फ्रूट तो बाद में भी खा लेगा, सासू और मैं मजदूर भी लाइक दोस्तों। फिर से बर्फ निकाली जा रही है, और बर्फ क्यों निकाली जा रही है, हिमशु के मुंह पे चटनी गिर गई, मिर्ची गिर गई, हरी मिर्च वाली चटनी, तो हिमशु ना भी देखना नहीं चाहती है, क्योंकि हिमशु का आ रहा है इतना गुस्सा कि फोन ऑन फेंक सकती है। देखो इसीलिए देख लो सामने, मैंने लास्ट उसमें वीडियो में देखा आपने, उसके ना मुंह पे चटनी गिर गई, और चटनी गिरने के बाद में इतनी जलन नहीं हुई हो रही होगी जितना मतलब गुस्सा बाहर आ रहा था, तो अभी हिमशु गुस्सा हो गई थोड़ी ज़्यादा, और ज़्यादा का मतलब ज़्यादा है ना, तो पहले हम सोच रहे थे कि जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला सेक्शन है वो सारे सब मिलके बोलेंगे, जतिन राजा नवाब को भी और पड़ोसी को भी ताशु को सबको लेके बोलेंगे, लेकिन वो सपना अधूरे अरमा थे, वो टूट गए, और टूट के ना वो बह गए बिल्कुल। तो अभी फिर इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत तो बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहना। धन्यवाद और शुभ रात्रि।